तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लीजिए क्लासेस में। तो भाई साहब, आज कुछ अच्छी बातें करेंगे, है नहीं? सबसे पहली बात तो यही प्रश्न है कि पेड कोर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो मैं देखो इसमें यही कहूँगा कि यदि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, है नहीं, और यदि आप घर पे बैठ के 6 घंटे 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, तो आपको पेड कोर्स के साथ जाना चाहिए, ठीक है। और यदि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, किताबों को पढ़ सकते हैं, लगातार उसमें बैठ सकते हैं, तो बिल्कुल आप फिर सेल्फ स्टडी के साथ जाइए। फिर आपके पास यूट्यूब पे इतना मटेरियल है, फ्री ऑफ कोर्स मैंने भी पढ़ाया है और बहुत सारे यूट्यूबरों ने पढ़ाया है, आप उनसे अपना कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठहर खैर, चलो अभी ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, रीज़न क्या है, मैंने एक वीडियो देखा जो मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे दिया कि सर ये देखिए कुछ कहा जा रहा है। तो मैंने कहा चलो अच्छा देखता हूँ। तो मैंने देखा कि मतलब एक सर हैं और अच्छा बताते हैं वो, और उनका जो चैनल है वो बुक करके हैं। लास्ट में पूरा नहीं लूँगा क्योंकि जाहिर सी बात है प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं, पता नहीं उनको कोई इशू हो जाए। मगर वो जो सारे मुझे जेन्युइन लगते हैं नहीं, उनका मैं चैनल मैंने देखा है, इसी बार एक दो बार मैंने विजिट किया है, तो बढ़िया वो बोलते हैं। और एक साहब हैं वो पाठशाला वाले हैं, तो मतलब क्या बोलूँ कि मतलब वो भी कोर्स लेके आए, वो भी कोर्स लेके आए, सब लोग कोर्स लेके आए, वो खैर अलग चीज़ है। और लाना भी ये रीज़न क्या है भाई, ये देखो बच्चों की वो होती है कि यदि वो चाहते हैं तो ले, नहीं चाहते ना ले। मैंने भी कोर्स लाया था, मैं भी कोर्स लाया, पर मैंने कोर्स इसलिए लाया क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए थे, वो कह रहे सर अपना कोर्स लाइए फिर लॉन्च करिए। तो मैंने लाए और उसको 20 घंटे में बंद कर दिया क्योंकि मुझे बस उतने ही बच्चे लेने थे, ठीक है। और वो खैर अलग चीज़ हो गई, मैं उस पर बात भी दोबारा नहीं करता। रीज़न साफ है कि मुझे पता है कि बहुत बच्चे हैं जो फीस नहीं दे सकते, वो जेन्युइन कहीं से भी पढ़ सकते हैं, वो मेरे पास से पढ़ सकते हैं। इतना मैंने पढ़ा रखा है चैनल पर कि आप यदि पढ़ेंगे ना तो काम हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो पुड़िया देते हैं ना, इस बात को मैं भी कहूँगा, जो केवल पीडीएफ की पुड़िया देते हैं, उनको पढ़ाना वढ़ाना कुछ नहीं आता भाई साहब, बिल्कुल पढ़ानी हो पढ़ाना एक अलग बात है, पढ़ाना उसको मतलब बात करने की भी तमीज़ नहीं है। है नहीं, एक बंदा जब मैंने एक वीडियो बनाया था आपको SI को लेकर के, तो वो बंदा ऑफेंड हो गया था, है नहीं। तो अब कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल तमीज़ें नहीं होती, वो बस चैनल चला रहे हैं, रीज़न क्या है, किसी कारणवश कोई वीडियो से चैनल उठ गया, वो खैर अलग बात है। और आजकल तो भाई साहब ये ट्रेंड चला है क्योंकि अब भर्ती आ गई है, बहुत बड़े बड़े कोर्सेज लॉन्च होने लगे। तो मैं आपको बस यही एडवाइस दूंगा, यदि आपको लग रहा है कि मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ तो भैया सेल्फ स्टडी के साथ जाइए, क्योंकि आप, मैं आपको बता दूँ, ये जीवन का बहुत बड़ा डिसीजन है। यदि आप कोर्स लेते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूँ ना, देखिए वो PDF वाला कोर्स भी रहा, जिन्होंने बच्चों ने खरीदा उन्होंने भी मेरे पास कॉल किया, भैया पूर्व वालों ने भी खरीदा उन्होंने भी मेरे पास, पूर्व वाले के बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास हैं जिन्होंने दो दो बैच खरीदे बैठे हुए, मगर वो अभी भी कंफ्यूज हैं कि क्या पढ़े। रीजन साफ है ना कि इतना सारा मटेरियल दे दिया गया भाई साहब, मतलब UPSI को ऐसा ब्रांड बनाया गया, मतलब ऐसा बना दिया गया कि सब कुछ पढ़ के जाओ। अरे भाई साहब, यदि आप सब कुछ पढ़ा दोगे, पूरी किताब ही खोल के रख दोगे, तो फिर क्या मतलब रहेगा कि मैं टीचर रहने का, है नहीं। सबको यदि हम पढ़ा देंगे तो फिर क्या मतलब रहेगा, पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ा दो, पूरी IPC की बुक पढ़ा दो, सब कुछ पढ़ा दो। मैं उन्हीं की मैं बात सुन रहा था, बहुत बढ़िया लगा मुझे वे बात, और सही बात है इस बात को तो। और देखो जैसे जाहिर सी बात है, जिन्होंने हवा बनाई थी जनवरी में एग्जाम, जब ये बात, जब वो DG साहब का इंटरव्यू है, तब भी मैंने भी ये बात बोली थी कि भाई साहब किसी भी हालत में जनवरी में एग्जाम नहीं हो सकता। बस मैं भी यही कह रहा था, नोटिस आते बहुत बड़ी बात है, यदि नोटिस आ जाता है तब उसके बाद कोई आगे योजना चलेगी कब एग्जाम होगा। अभी भी हम जो बोल रहे हैं, अभी बहुत बच्चे परेशान, एग्जाम कब होगा, सबसे बड़ी समस्या एग्जाम कब होगा। तो भैया मैं आपको बता दूं, एग्जाम मिड ईयर में होगा, जून या जुलाई, ठीक है। आप जून फाइनल मान के चलिए, जून यदि हम फाइनल मानेंगे तो आपका काम बन जाएगा, आप इसके बाद मत सोचे। और फिर मैं बता दूं, पहले क्या बच्चे के मन में था कि यार नोटिस आ जाए, नोटिस आ जाए तो नोटिस का भूत चढ़ा था, अब साला नोटिस आ गया तो अब भूत चढ़ा है कि एग्जाम कब होगा। अरे भाई साहब तैयारी करो यार, ये चुतियापा छोड़ो कि कब फॉर्म आएगा, फिर कब नोटिस आएगा, कब फिर आंसर शीट आएगी, कब रिजल्ट, ये सब का, ये बच्चों वाली हरकतें मत करो। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो दरोगा बनना चाहते हैं, सेलेक्ट होना चाहते हैं, वो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो ना, वो पढ़ रहे हैं, वो अब नहीं मतलब वो अब ऐसे। मैंने भी स्टूडेंट जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो लाइव भी नहीं आते, कहता मैं पूछता हूँ भाई साहब कहाँ थे लाइव में, लाइव नहीं आ, अरे सर समय बर्बाद हो जाएगा, पढ़ रहा था। मैंने कहा ठीक भाई साहब तुम पढ़ो, है नहीं। तो बहुत बंदे जो पढ़ रहे हैं और तुम अभी भी मतलब इसी चक्कर में हो कि कब एग्ज़ाम डेट। अरे भाई साहब एग्ज़ाम डेट छोड़ो,
है, धोती को रुमाल बनाना छोड़ो भाई साहब, पढ़ो ठीक है, और किसी भी चक्कर में ना पढ़ो और मेहनत करो। और देखो भाई साहब, देखो ऐसा नहीं, यूट्यूब पे बहुत लोग हैं ठीक है, किसी के चैनल ऐसे चल जाता, अब जैसे हम ही लोग हैं, हम लोगों को चैनल नहीं चलता, इतनी हमारी रीच ही नहीं है, हमारी तो छोटी मोटी रीच है नहीं, तो जितने लोगों को मैं बता पाता हूँ बता लेता हूँ, और जितने लोग मेरा पहली बार वीडियो देख लेते हैं वो मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं, भले वो सब्सक्राइब ना करें मगर जुड़े जरूर आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं वो बंदा जेन्युइन है ठीक है। जो बात मैं बोल रहा हूँ, मैं यही बात बोल रहा था, यदि फरवरी और मार्च 15 तक नोटिस नहीं आया तो भर्ती आएगी ही नहीं, पर देखो दबाव पड़ा और नोटिस आ गया ठीक है। अब बहुत सारे यूट्यूबर है जो पीडीएफ पुड़िया बेचते हैं, और जाहिर सी बात है, जैसे मैं उन्हीं सर की थोड़ी सी बात दोहराऊंगा कि पानी पे हाथ रखते के कसम खाते, भाई साहब देखो बिजनेसमैन का कोई ईमान नहीं होता, जब आदमी बिजनेसमैन बन जाता ना तो उसका कोई ईमान नहीं होता। सही बात है, उन्होंने भी ये बात कही, मैं भी ये बात कर रहा हूँ कि एक ही बैच को उन्होंने 3-3 बार बेचा, और मैं एक ऐसे बैच से भी जुड़ा हुआ हूँ जो मतलब पूर्व वालों का बैक ईयर के जो पहले पढ़ चुके हैं उसमें लगभग 100 स्टूडेंट, 150 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो वो मेरे से जुड़े हुए हैं। अब कोई क्वेश्चन आता है वो मुझसे पूछते हैं, मैं उनको बताता हूँ, और वहां पर मैं लड़कों के डिस्कशन, क्योंकि मैंने वो पब्लिक कर रखा है, वहां डिस्कशन सुनता हूँ कि भाई साहब वो 2019 वाला बैच अभी दे रहे हैं, अब दोबारा 2019 की रिकॉर्डिंग अभी दे रहे हैं, इस वाले बैच में भी यही, तो ऐसा मतलब तगड़ा ये गेम खिला रहे हैं कि आपका फ्यूचर एकदम गोड़ देंगे भाई साहब। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको किताब उठानी पड़ेगी, किताब उठाई, यदि सिलेक्शन लेना चाहते हो, यदि हवा हवा बांधने जाए तो मैंने यहाँ का कोर्स खरीदा, मैंने वहाँ का कोर्स, तो भाई साहब तुम्हारा नीरा चूतिया कट रहा है, फिर कुछ नहीं हो सकता। आप कहोगे यार ऐसी भाषा का क्या करूँ, ऐसी भाषा इस्तेमाल करनी पड़ती, तुम्हें समझ ही नहीं आता, प्यार की भाषा तुम्हें समझ में आती नहीं है। और कोई बंदा आएगा, अरे मेरे इतने कोर्स बिक गए, मेरा इतना जाकर के खरीद लोगे फटाफट, मेरे स्टूडेंट ने भी पीडीएफ बैच खरीदा, और कहता मैंने पूछा भाई साहब कैसा एक्सपीरियंस है, कहता भाई साहब एकदम झड़ियल, बस कॉपी पेस्ट है वहाँ पे और कुछ भी नहीं है, है नहीं? तो भाई साहब निवेदन है, आप पढ़ें और खूब पढ़ें, मेहनत करें, है नहीं? नहीं यकीन है भाई साहब मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर लो, पॉलिटी से पढ़ लेना, मूल विधि से पढ़ लेना सारी चीजें, है नहीं? मूल विधि भी वही बात में है, 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, वो भी सेक्शन। अब लोग सोचते हैं आईपीसी का मतलब क्या, अब लोगों को आईपीसी का मतलब नहीं पता भैया, आईपीसी जो है, जो मूल विधि है वो आईपीसी नहीं है, मूल विधि में बहुत सारे एक्ट आते हैं ठीक है, आईपीसी एक उसका एक पार्ट है केवल, यदि मान लेते हैं मूल विधि में 12-14 पार्ट है तो आईपीसी केवल एक पार्ट है, आईपीसी, सीआरपीसी, आयकर, अब आयकर का एक्ट जो हो गया, बच्चों से, महिलाओं से, SC ST से, पर्यावरण से, वन जीव अभयारण्य से, फिर राष्ट्रीय हित के लिए, फिर उसके बाद बहुत सारे केसेस है, वो मैंने कम्युनिटी टैग भी किया था, तो भैया बहुत सारा मूल विधि कोई छोटा नहीं है, उसको मिला के देखेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं सब मिला हम लोग के, वो भी तुमको आंसर नहीं, रीजन क्या है, देखो मूल विधि यानी यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बताऊँ, एक मूल विधि का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उठाएंगे और एक पॉलिटी का, और दोनों मिक्स करके एक नया क्वेश्चन बना देंगे, बताओ तुम पहचान ही नहीं पाओगे ये पॉलिटी का क्वेश्चन है कि मूल विधि क्वेश्चन है, इसी प्रकार से ये खेला खेलते हैं भाई साहब, और रीजनिंग में भी इसी तरीके से खेला खेलते हैं, तो यदि खेला तुम्हें करना है तो भाई साहब करते रहो, है नहीं? फिर उसका भाई साहब कुछ नहीं हो सकता, फिर उसका कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा आप पढ़ाई पर फोकस करें, जितना हो सके अपने ज्ञान को बढ़ाएं, ज्ञान के स्तर बढ़ाएं, कॉन्सेप्ट मेंटेन करें, रटनी कहानी नहीं है, हर बार मैं बोल रहा हूँ यदि रटने बैठोगे, रटने वाले तो जाने कितने पढ़े हैं, समझे कि नहीं, रटने वाले जाने कितने बड़े हैं, मैथ भी ये लगा रहे हो तो एक एडवांस लेवल का मैथ लगाओ, बढ़िया क्वेश्चन लगाओ, और मैं तो कहूँगा बैंक पीओ के क्वेश्चन लगाओ तो बहुत बढ़िया रहेगा, रीजनिंग के और मैथ्स के भी, क्योंकि वो बैंक वाले जो क्वेश्चन होते हैं भाषा लंबी करते हैं, और भाषा लंबी क्योंकि यूपीएससी में यही है, भाषा लंबी आती है, 3-4 लाइन में आंसर यानी क्वेश्चन होता है, तो आप उसको एनालाइज करिए, उसको समझिए बूझिए, तभी भाई साहब होगा ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है, ये एग्जाम लेने का क्या उनका पर्पस, एक एग्जाम वो क्यों ले रहे हैं, एक एग्जाम में भी वो आपकी सारी क्वालिटी जांच लेंगे कि आप SI बनने लायक हैं भी कि नहीं है, उसी में आपका कथन निष्कर्ष पूछेगा, मैथ में भी ऐसे क्वेश्चन, मैथ में इतने बड़े क्वेश्चन क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि वो आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करना चाहते हैं, क्या आपके अंदर इतना कॉन्सेंट्रेट है, क्या आपके अंदर इतनी समझ है कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, आप क्या सोच रहे हैं, 4200 ग्रेड की आपकी नौकरी देंगे, ऐसे दे देंगे क्या, कांस्टेबल का पेपर की एक लाइन का सवाल लो भाई साहब ले जाओ ना, भाई साहब जोर लगता है जोर, और जब जोर लगता है ना दर्द होता है,
यदि तुम्हारे अंदर दर्द सैनिक क्षमता नहीं है, तुम आराम से पर होकर मजे लेकर के कोर्स खरीद खरीद के सोचो सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस मतभेद में ना रहो, समझे। सिलेक्शन कोर्स खरीदने से नहीं होता, सिलेक्शन पढ़ने से होता है। तो और जो बच्चे सोच रहे हैं मेरा पढ़ना है, वीडियो देख रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, वीडियो 10-10 घंटे की वीडियो देख रहे हैं तो पढ़ रहे, तो ये तुम बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। आधे घंटे का मटेरियल यदि कोई 2.5 घंटे में दे रहा, तो ये समझदारी की चुतियापा तुम ही समझ लो, है नहीं। अब मैंने 40 वीडियो पॉलिटिक बनाए, 40-45 वीडियो बनाए हैं, और मिला मिलू के सब यदि देखोगे तो लगभग 5-6 घंटे में सब निपट जाएगा। मतलब एक दिन तुम दे दोगे तो पूरा पॉलिटिक निपट जाएगा। पर इतनी क्षमता तुम्हारी होनी चाहिए पढ़ने की, वरना फ्री मटेरियल पढ़ना पसंद नहीं है, है नहीं। फ्री का मटेरियल नहीं पढ़ोगे। यदि यही बैच हम कुछ पैसे का ला के डाल देंगे तो काम हो जाएगा, है नहीं। फिर मैं बोल लो जो मैंने बैच लॉन्च किया बस उसका यही रीज़न था, उसके जो भी पैसा वैसा है, क्योंकि भाई साहब हमारे स्टूडेंट भी कुछ काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अब सबको मुझे पता नहीं है, तो मुझे उनको भी दिया था। तो मैंने कहा कि भाई साहब ले लो, है नहीं, नया चैनल शुरू किए हैं, ले लो भाई साहब, हम तो फ्री में पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये तो हमारे स्टूडेंट ही है नहीं। तो भाई अपना नहीं, हम तो अपना तो कुछ नहीं करते यार, यूट्यूब से भी कोई पैसा वैसा इतना आता वाता नहीं है, नहीं सोचो यूट्यूब से बहुत पैसा आ रहा है, नहीं सब नॉर्मल सा है। मगर ये है कि जो दिल कनेक्ट है ना भाई सब इधर होता है ना, हाँ, जो दिल कनेक्ट है ना वो बहुत अलग, दिल ही कनेक्ट है, इसलिए मैं लाइव भी आता हूँ, आपसे बातचीत भी करता हूँ। भाई सब मतभेद नहीं है, तुम जो बोलोगे मैं पढ़ा दूंगा, पॉलिटी बोलोगे पॉलिटी पढ़ा दूंगा, प्रोबेबिलिटी बोलोगे प्रोबेबिलिटी पढ़ा दूंगा, क्योंकि अपन टीचर हैं, अपन ऑफलाइन बैच पढ़ाते हैं, समझे, अपन क्लास लेते हैं, चूतियापा नहीं करते, धोखा करना नहीं, धोखा आता ही नहीं है, ये होता क्या है धोखा हम जानते नहीं, है नहीं। यदि तुम बोलोगे तुम बैच की फोटो भी खींच के भेज दें, ज़्यादा बैच नहीं पढ़ाता हूँ, 2 ही बैच पढ़ाता हूँ और 2 ऑनलाइन बैच पढ़ाता हूँ, बस इतना ही समय बचता है, क्योंकि अपना भी तो पढ़ना है भाई साहब, मेरा भी मेंस लगा हुआ है, तो उसकी भी तो प्रिपरेशन करनी है, नहीं तो क्या ऐसे सब हवाबाजी चलती रहेगी ना। तो ये सब चीज़ें हैं भाई साहब, और उन सर ने भी बहुत बढ़िया बोला, मुझे अच्छा लगा कि यहाँ कम से कम कुछ लोग हैं जो जेन्युइन हैं, जो मतलब है, मतलब कुछ कि उनके अंदर वो है कॉपी पेस्ट वाला हिसाब नहीं है, कुछ अपनी व्यू रखते हैं, है नहीं। बाकी किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो कृपया करके माफ़ करें, वैसे ऐसी कोई बात बोली नहीं है, नहीं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करते रहेंगे थोड़ा बड़ा बड़ा बनाएंगे तो हम भी आपके लिए कुछ करने पाएंगे, है नहीं। बाकी नहीं तो आपका तो चूतियापा तो बहुत लोगों ने काटा है, नहीं। खैर बस इतनी रखते हैं। बाकी जो अच्छा एक मुद्दा भूल गया, एसटी वाला भाई साहब, एसटी जो आप लेना चाहे 2 एसटी में बता रहा हूँ, 2 एसटी वैसे तो मैं बोल रहा था कहीं से भी कोई भी एसटी ले लगाओ, 100 एसटी का टारगेट रखो, 2 एसटी में बता रहा हूँ, 2 मैं जो प्रेफर बता, एक तो बैंकर्स अड्डा की ले लो और महिंद्रा की ले लो, 2 एक बढ़िया ब्रांड है, जबरदस्त है, क्योंकि मैं छुटपुट ये और किसी का मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि भाई साहब देखो सबसे बड़ी बात है जवाबदेही, आप किसी से जवाबदेही नहीं मांग सकते, आपका डिसीजन स्वयं आपको ही उच्च शिखर तक ले जाएगा या फिर पटक देगा जमीन पे, आपका डिसीजन होगा। 2 मैंने बता दी, बाकी आपको लगानी 100 है, तो यदि ये दोनों 25-25 प्रवाड़ कर 50 एक्स्ट्रा लगाओ हर एक एसटी से जितने भी जो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा भाई साहब लेवल क्या है, ठीक है। बाकी मैंने बताया बैंक पीओ के क्वेश्चन लगाओ, रीजनिंग के, बैंक पीओ के मैथ्स के भी क्वेश्चन लगाओ, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाओ, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, जितनी बढ़िया तैयारी होगी उतना बढ़िया, मैंने उतने चांसेस होंगे आपके सिलेक्शन होने के, ठीक है। बाकी मैंने जो बहस बहुत बाजी कर ली, क्योंकि वो मैंने वीडियो देखा ना, बड़ा हमको लगा कि हाँ भाई सब इस पे तो अपन भी बोलना चाहिए ना, क्योंकि ये बात एकदम जेन्युइन है ना। और बाकी आपका भविष्य है, 9,500 वैकेंसी आपके सामने खड़ी हुई है, इस चक्कर में ना रहो कि वैकेंसी क्लियर नहीं होगी, वैकेंसी क्लियर हो जाएगी फिर वही बात है कि आप बैठे रहोगे और लोग मुरादाबाद में ट्रेनिंग कर रहे होंगे,